नमस्कार मेरे प्यारे किसान दोस्तों। किसान दोस्तों, मैं अभी पंजाब के अंदर हूँ। पंजाब में आप ये देखोगे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, और ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में इनकी कंपनी के ओनर से जानेंगे और इनकी क्या प्राइस होती है, ये बड़ी बड़ी मशीनों किसानों को कैसे हेल्प कर सकती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, और इस ये मशीन देखोगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा पंजाब में बहुत सारे मैन्युफैक्चर होते हैं, बहुत सारी मशीनें अलग अलग कंपनी होती हैं, लेकिन इस मशीन में क्या विशेषता है जो उन मशीनों से अलग ही है, तो इसी के बारे में आपको मशीन के बारे में जानते हैं। हाँ। ये मशीन आपकी पहली कंपनी का नाम बताइए। ये जो मशीन है हमारे पीछे आप देख रहे हैं, हाइना 700 इसका मॉडल है। ये हमारी कंपनी का बोर्ड है, कनेक्ट एग्रो सॉल्यूशंस। हम दोनों कंपनीज के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। जो भारत मैकेनिकल वर्क्स है बठिंडा रामपुरा फूल में, फूल गांव से 4 किलोमीटर दूरी पे किसान भाई संपर्क कर सकते हैं, वहां पर ये मशीन बनती है। ये चारे के साथ रिलेटेड मशीन है। अगर आप समझते होंगे हरा चारा जिसको काटते हैं, काटने में दिक्कत आती थी, तो ये मशीन आपका वो कार्य सफल कर देंगी। इसके साथ एक दो और मशीनें हैं जो चारे के साथ रिलेटेड हैं। अगर हम अच्छा, ये कौन सा चारा काटेगी? ये जो मक्की का चारा होता है जी, सोयाबीन बनती है। हाँ, जिससे वो मक्की का चारा, जो किसान भाइयों को पता ही है, हमारे जो खेती के साथ जुड़े गाय भैंसे हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, और पंजाब हरियाणा यूपी में बहुत खुश होकर गाय भैंसे ये चारा खाती हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, चारे के साथ साथ इन्होंने बेलर भी बनाया है। ये जो चारा मशीन है ये जो कई घंटों का काम मिनटों में कर देती है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ते 220 HP का इंजन है जी, अशोक लेलैंड का जी। अशोक लेलैंड का इंजन है 220 HP का। हाँ जी। और ऑटोमेटिक है फुली। हाँ जी, फुल ऑटोमेटिक। चेन नहीं है इसमें, गियर ड्राइव नहीं है। हाँ जी। ठीक है जी। और जो कटर है वो कौन सी क्वालिटी का है, और कितने mm की शीट लगी है इस पे लोहे की? जी आप बताइए कितने mm की शीट लगी है लोहे की, और क्या क्या सर इसमें? 5 mm की शीट लगी है। ठीक है, हैवी ड्यूटी मशीन है। हैवी ड्यूटी मशीन है, टाटा स्टील, सारी टाटा स्टील भरते हैं यही। सारा टाटा स्टील लगा हुआ है सब। कोई भी शील्ड देख लो खोल के, कोई भी चादर देख लो खोल के, सभी टाटा स्टील है। ठीक है। और ये सरकार से मान्यता प्राप्त है जी इसकी? सरकार से मान्यता प्राप्त है जी। और उसकी CMVR टेस्टिंग भी हाल ही में हुई है शायद? हाँ जी, हम अभी करा के लेके आए हैं, अभी पासिंग हो जाएगी जी। इसकी तो मशीनरी में ये जो हाइड्रोलिक पाइप्स लगी हैं या चैन वगैरह? अरे जो चैन लगी है ना, जो एक ही चैन है जी मशीन में, एक कटर वाली आएगी एक वाली आएगी जी। इसमें और सिस्टम नहीं को लग रहा जी। इसमें इसी चैन लिए लाया जी। इसको ऑटोमेटिक ब्लेड तीखे करने वाला सिस्टम है जी। ये ऑटोमेटिक तेज होती रहती है, तीखे होते जाते हैं? तीखे होते हैं जी, जब ऊपर से ड्राइवर उतार के लेके उतरेगा तो उसको तीखा ब्लेड कर लेगा। टायर के बारे में बताएंगे, टायर कौन सी कंपनी? टायर जो हमने कंबाइन में आते वैसे टायर है जी। वैसे टायर 4030 के टायर है इसमें। अच्छे हैवी ड्यूटी टायर है। हैवी ड्यूटी टायर है। ठीक है। और किन किन चीजों का ध्यान रखे मशीन चलाते समय किसान भाई? सर कुछ नहीं, हमारी मशीन में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कल एक्सीडेंट केस नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो ब्लेड है जी उसमें कोई लोहा नहीं, वाहन में कोई लोहा पड़ा होता है किसी जी, के जी, जी। या कुछ भी कहीं छोड़ दी किसी ने जी जी, या कुछ छोड़ दो वैसा सामान नहीं, मतलब खेत में कोई सामान ना, लोहे की चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो तो सभी कोई एक्सीडेंट केस हो जाए वैसे कोई जी, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, वैसे एक्सीडेंट केस नहीं आना चाहिए कोई जी जी जी। और जो एसी कैबिन है जी? एसी कैबिन है इसका? एसी कैबिन है जी। कैबिन के बारे में बताइए थोड़ा। हाँ सर, ये सर हमारा एसी कैबिन है। ये सारा एसी कैबिन है जी, सारा एसी कैबिन है। जो ड्राइवर है उसको पूरी सुविधाएं दी गई हैं सर, उसको ड्राइवर को कोई तकलीफ भी नहीं है जी। ये हमारे जैसे कंट्रोल है, इसको आगे लेके जाएंगे तो आगे भागेगी जी, इसको पीछे लेके जाएंगे पीछे भागेगी जी। ये रेस आ गई सर, ये गियर है इसकी, रेस आ गई जी, ये रेस आ गई। ठीक है, इसकी रेस आ गई जी, इसका जो गियर आ गया जी। वाहन में चलाना तो इसको आगे कर दो, आगे चला, रोड पे लेके जाना तो इसको पीछे कर दो। ठीक है जी। बार बार गियर बदलने की कोई जरूरत नहीं है सर जी। इसमें कोई क्लच नहीं है? अच्छा, कोई क्लच नहीं है, आप देखोगे ऑटोमेटिक है, कोई क्लच नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर ब्रेक सिस्टम दिया है सर? ब्रेक सिस्टम ये वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है। ठीक है, पर फिर भी हमने लगा दिया जी। ये एक्स्ट्रा आपने एक एहतियात बरती है? हाँ, एक्स्ट्रा लगा दिया, अभी इमरजेंसी कोई चक्कर पड़े किसी को जी तो लगा सकता है। अच्छा भैया, हमारा सिस्टम आ गया सर, कटर कंट्रोल इधर आ गया जी, ऊपर नीचे करने वाला जी, हमारे ये सूट है इधर पीछे वाले जी, उसको आपने एक हाथ से कंट्रोल करना है सारे को। अच्छा जी,
जो ये लाल किसी हेल्पर की जरूरत नहीं है। ओके, ये जो लाल रंग के निशान वाले बटन है जो ये सर उसके पीछे वाले सूट के फंक्शन है सर। और जो नीले वाले हैं, नीले वाले भी उसी के सर, उसी के हैं। हरे वाले आगे उसी में सेम फंक्शन चलते हैं। अच्छा जी, उसको ऊपर लेने के लिए, उसको नीचे लेने के लिए जी, उसका मुंह खोलने के लिए, मुंह बंद करने के लिए जी जी, घुमाने के लिए आगे उसमें सिस्टम। ओके, अब ये आ गया सर ट्राली में लोडिंग के लिए। हाँ सर, ये जो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ट्राली में लोडिंग को देखने के लिए आपने और भी मशीनें देखी होंगी, भी पूरा पीछे तक ये जा रहा है। किधर भी लगा लो सर इसको। कितनी लंबाई का है ये, कितनी इसकी? 15 फुट की लंबाई है सर, इसको किधर भी लगा लो, राइट लेफ्ट किधर भी लगा लो, किधर भी लगा लो। अच्छा, ये एडजस्टेबल है यहाँ पर ना? हाँ ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी किधर भी ट्राली लगा लो, मशीन के इधर लगा लो चाहे उधर लगा लो सर। ठीक है, हर तरह ये सूटेबल है, चारों तरफ घूमता है सर। इसकी हाइट क्या है पूरी मशीन की? अपनी मशीन की बॉडी की हाइट क्या है जी? इसकी 12 फुट है। अच्छा, 12। जगसीर जी एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे भारत मैकेनिकल वर्क्स अपना डपैली, ये अपना पिन कोड बठिंडा में है, ठीक है जी, आपका लोगो आ गया, सारा आ गया। मेन चीज ये भी, इसकी जो आपने हाइट बताई है वो है 12 फुट। 12 फुट और जो इसकी लंबाई? लंबाई 15 फुट। 15 फुट और कटर के साथ मिला के। और इसका जो वेट? इसका वेट तो नहीं मैं सर बता पाऊंगा। हाँ, वेट चलो कोई बात नहीं। और जो कोई बात नहीं जी, और जो आप रंग यूज कर रहे हैं, ये पेंट यूज कर रहे हैं? ये जी एशियन का पेंट कर रहे हैं। एशियन का पेंट कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे आपकी एक ये मशीन खड़ी है, एक ये मशीन खड़ी है, दोनों ये सर पहले मॉडल है हमारा। ये पहले वाला मॉडल है? नहीं पहले वाला नहीं, अभी मॉडल तो अभी वाला है, पर वैसे सादा मॉडल है। ओके, इसमें क्लच आ गया विदाउट एसी, मैनुअल आ गया एक तरह से। हाँ जी, मतलब सेमी मैनुअल आ गया, ये मैनुअल ऑटोमेटिक आ गया। मतलब दो तरह के मॉडल बनाए हैं आपने, सेमी मैनुअल और फुली, ये मैनुअल आ गई, फुली ऑटोमेटिक हो गया ना इसमें, वो फुली ऑटोमेटिक आ गया, मैनुअल आ गई। ठीक है जी, इसमें एसी कैबिन नहीं है? उसमें एसी कैबिन, उसमें एसी कैबिन है, वो हाइड्रोलिक है। ये मशीन कितने की है? ये 32 लाख रुपए की देते हैं। और वो 42 लाख रुपए, 42 लाख रुपए की ना? ठीक है। अच्छा, तो इनका जो वर्क काम करने की क्षमता है वो क्या रहती है सर? उसमें काम करने का ऐसा है सिस्टम, 10 से 12 के लिए काट रही है। 10 से 12 के लिए? 10 से 12 कितनी देर में? जैसे हम चलाते हैं सर सुबह को शाम को, 8 घंटे में शाम तक 10-12 के लिए ये कवर कर देती है। ठीक है जी, वो अपनी मर्जी है जी, सारी रात चलाई चलो। इसमें ऐसा होता है ना जी, कोई इसमें दाने मारने की प्रॉब्लम नहीं है जी। मशीन है जैसे अपनी हार्वेस्ट चलती है, उसमें दाने आने की प्रॉब्लम आ जाती है जी, भी मशीन दाने मारने लगी जी जी। इसमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर चारा इकट्ठा, सारी रात चलाओगे तभी चलोगे। पर अपने सर भी चारा सामने के लिए चाहिए। हाँ, चारे की जो मेन दिक्कत है किसान भाइयों, चारा तो मिल जाता है, चारा कटिंग भी हो जाता है, लेकिन चारे के और संभालने के लिए जो व्यवस्था की गई है, जैसे आप देखेंगे साइलेज बेलर है, वो चारा संभालने के लिए है। जो आजकल आप देख रहे हैं पैकिंग में आ रहा है, वाइट कलर के पैक आप खेतों में देखते होंगे, ये साइलेज बेलर है इनका, बीएम वर्क्स, भारत मैकेनिकल वर्क्स का। जगजीत जी, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकें। हाँ सर, क्वांटल की बेल बनाता है जी, एक क्विंटल की बेल बना देता है। कितनी देर में? एक मिनट में जी, एक मिनट में एक क्विंटल की बेल बना देता है। और इसमें भी आपका प्रॉपर वो जो आप सेटिस्फेक्शन जो सर्विसेज हैं या जो ध्यान देने वाली चीजें हैं वो सब किसान भाइयों को गाइड करते हैं। सर इसमें पता क्या है, हमने ऐसा सिस्टम बनाया इसमें ध्यान देने की इसमें जरूरत नहीं है, कोई ऑटोमेटिक है सारा, ऑटोमेटिक ही है। वैसे मैं तुमको आपको बताऊंगा जी, इसमें जो हमारे बैरिंग डालते हैं जी, खोलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। हाँ जी, इसके अंदर सील डाली है हमने, बैरिंग के अंदर सील वाले हैं, सील भी डाल दी। हाँ जी, सील को दूर भी कर दिया, दूर भी कर जो बेलर का पानी निकले जो चार में से जी, उस नीचे निकल जाए। इसमें आप देखोगे इधर से छोड़ दिया खाली, सील में नहीं आएगा सील, पानी बैरिंग में पानी नहीं जाएगा। हाँ, मेन मकसद है बैरिंग में पैरिंग, बहुत बना रहे हैं बेलर, पर ऐसी तकनीक किसी ने नहीं बरती अभी तक। एक सर इधर देखिए, जो पैकिंग करने की क्षमता कितने की पैकिंग कर सकती है? एक मिनट में एक बेल बना देगा जी, एक क्विंटल की, एक क्विंटल से ज्यादा। हाँ, की भी बेल बना सकते हैं, इसमें सेटिंग हो जाती है या अभी तक नहीं? सर ज्यादा नहीं हो सकती, वैसे और अलग से बना सकते हैं हम। हाँ, दो क्विंटल बना लो, चार क्विंटल बना लो, पांच क्विंटल, जितने का भी अपना मन करे उतना बनवा सकते हैं। मतलब वो स्पेशल बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, कस्टमाइज किया जा सकता है। अगर कोई किसान भाई चाहता है 2 क्विंटल की बेल चाहिए मुझे, तो वो स्पेसिफाई किया जा सकता है। अच्छा, इसमें क्या है, ये जो ऑटोमेटिक भी है, ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है, सारा फुली ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना हमने। ये इसके सारे लगे हुए हैं मोटर्स के लिए, जो भी बार लगे हुए हैं, बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये सारी दिक्कत है तो ये सभी से बढ़िया सूदिया हम ये है, हमारा खेत में भी चला सकते हैं जी। किसी किसान भाई को चाहिए हमारे खेत में हमारा चारा पैक कर जाओ, इसीलिए बैटरी ये लगाई है।
हम खेत में इसको ले जाके कहीं भी हम चारा पैक कर सकते हैं सर। ठीक है जगसीर जी, धन्यवाद। और धन्यवाद आपके चैनल का जिन्होंने हमारी इस मशीन को हमें लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। ये जो मशीन है, अब हम मैं बताता हूँ जी, मेरा नाम साहिल ढिंगरा है, मैंने पहले भी बात की, हमारी कंपनी है कनेक्ट एग्रो सॉल्यूशंस, जो ऐसी मशीनों पे भारत सरकार की तरफ से जो लोन की व्यवस्था हो रही है 80-90% हो रही है, और जो बैंक्स इसमें पूरा भाग ले रहे हैं, जोरों से लोन हो रहा है, किसी भी बैंक, सरकारी या गैर सरकारी बैंक से आप ले सकते हैं, और इसमें 50% की सब्सिडी भी है, नेशनल लाइफ मिशन के थ्रू, लाइफ स्टॉक मिशन के थ्रू भारत सरकार की सब्सिडी है 50%, और लोन की व्यवस्था है 80-90%। तो उसके लिए हमने, मतलब हमारा भाई साहब उनों के साथ टाइप है, जो भी उनके किसान भाई को जानकारी की जरूरत पड़ती है तो एज ए कंसल्टेंट हम गाइड करते हैं। ये कार्ड है इनका, भारत मैकेनिकल वर्क्स का, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं किसान भाई, और अपनी मशीन के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। धन्यवाद।